चलिए अब आपको बताते हैं आज की चार बड़ी खबरें जिन पर हमारी नजर दिन भर बनी रहेगी। पहली बड़ी खबर, राकेश टिकैत का महापंचायत वाला प्रपंच। किसान आंदोलन के आज 90 दिन पूरे होने वाले हैं, लेकिन हंगामा जीवियों की साजिश खत्म नहीं हो रही। राजस्थान में आज राकेश टिकैत की एक और महापंचायत वाला प्रपंच देखने को मिलेगा। बात दूसरी खबर की, उत्तर प्रदेश में लव जिहादियों का अंत होने जा रहा है। दरअसल लव जिहाद पर जी हिंदुस्तान की मुहिम का एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। कल उत्तर प्रदेश विधानसभा में लव जिहाद विधेयक पास हुआ और आज विधान परिषद में विधेयक पेश किया जाएगा। मतलब साफ है कि लव जिहादियों का राम नाम सत्य होने वाला है। पूरी खबर क्या है ये दिनभर हम आपको बताएंगे। इसके अलावा तीसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो पीएम मोदी का मिशन दक्षिण। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुडुचेरी का दौरा करेंगे और कई सौगात देने वाले हैं। वहीं आज पीएम मोदी तमिलनाडु के कोयम्बटूर का भी दौरा करेंगे। बात चौथी खबर की, शाह का असम में चुनावी आगाज। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से असम के दौरे पर जाने वाले। शाह आज चुनावी हुंकार भरेंगे, आज नगांव में महामृत्युंजय मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। तस्वीरें कैसी रहेंगी ये भी हिंदुस्तान आपको दिखाएगा। आगे बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जनसंख्या वृद्धि पर AIMIM के बयान पर सियासी बवाल मच गया। ओबीसी के विधायक अख्तरुल ईमान ने दरअसल विवादित बयान दिया। जनसंख्या वृद्धि मर्दानगी का काम ये बता रहे हैं। जिसमें दम है वो पढ़ाए, ये भी उन्होंने कहा कि बिहार में AIMIM विधायक के बयान के बाद अब सियासी पारा बढ़ चुका है। अख्तरुल ने बीजेपी विधायक हरिभूषण के बयान पर ये पलटवार किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, AIMIM के विधायक के बयान के बाद अब सियासी बवाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक विवादित बयान दिया है जिसमें उन्होंने साफ कहा कि जनसंख्या वृद्धि मर्दानगी का काम है, जिसमें दम है वो पढ़ाए इसे। जनसंख्या विस्फोट दरअसल पूरे विश्व के लिए एक बड़ी परेशानी है और इस पर जब भी कोई बोलता है तो किस तरह की बयानबाजियां होती है। AIMIM के विधायक ने जिस तरह की बयानबाजी की उसे जरा देखिए। क्या पुरुष की मर्दानगी देश के विकास, राज्य के विकास से ज्यादा बड़ा मुद्दा है? आप सोच रहे होंगे कि अजीब सा सवाल क्यों, तो जरा आपको ये समझने के लिए बिहार लेकर चलते हैं, जहां इन दिनों विधानसभा में प्रजनन दर के मुद्दे पर हुई चर्चा के बाद सियासी घमासान छिड़ गया है। दरअसल ये पूरा हंगामा बीजेपी के एक विधायक के बयान के बाद बड़ा है और मुद्दा धर्म को बनाया जा रहा है। सत्ताधारी बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा है कि एक धर्म विशेष के लोग आबादी बढ़ा रहे हैं। बीजेपी विधायक के इस बयान के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान नाराज हो गए और फिर उन्होंने विवादित बयान दे डाला और कहा कि आबादी बढ़ाना मर्दानगी का काम है, जिसमें है वो बढ़ाए। आबादी कभी नुकसान नहीं करती। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ सबको जीने की आजादी है। कुछ लोग फिरका परस्त हैं जो माहौल को खराब करना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। हैरानी तो इस बात की है कि अख्तरुल ईमान को अपने इस बयान में अब भी मर्दानगी नजर आ रही है। अरे मुसलमानों की वजह से ही तो खंड खंड में बता हुआ ये देश आज जो अखंड भारत बना है, अफगानिस्तान के सरहदों से लेकर आसाम की वादियों तक, ये हमारे पूर्वजों ने ही बनाया है। अख्तरुल ईमान ही नहीं, उनकी पार्टी के सुप्रीमो और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी कुछ कम नहीं। ओवैसी ने भी कुछ साल पहले ऐसा ही विवादित बयान दिया था जिस पर खूब बखेड़ा हुआ था। तब ओवैसी ने औरंगाबाद के एक पान वाले का जिक्र करते हुए कहा था कि कोहिनूर पान बच्चे पैदा करने में मददगार होता है। अगर नहीं पैदा कर सकते तो औरंगाबाद में एक पान की दुकान है, तारा का जाके 5000 का पान खाओ, टन टनाटन फायदा होता। मतलब ये है कि छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां भी सुभान अल्लाह। भारत में जनसंख्या वृद्धि कितना बड़ा मुद्दा है ये हर कोई जानता है। आपको याद होगा पीएम मोदी ने 2 साल पहले लाल किले की प्राचीर से जनसंख्या विस्फोट का मुद्दा उठाया था। तब प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ती आबादी को देश के लिए संकट बताया था। हमारे यहाँ बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। सवाल है कि आखिर बेलगाम आबादी में मजहब और मर्दानगी का क्या काम, जब पूरा देश जनसंख्या वृद्धि से जूझ रहा है। ऐसे में ओवैसी के विधायक को मर्दानगी सूझ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
दरअसल इस सियासी भूचाल की शुरुआत कैसे हुई वो समझे आप। दरअसल मंगलवार को विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार बिहार की बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जाहिर कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि बिहार में प्रजनन हर दम कम हुआ है। दरअसल प्रजनन दर कम हुई है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर और एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान ने विवादित बयान दे दिया। नीतीश के बयान के बाद फिर से कुछ कहा गया और क्या कहा गया नेताओं की ओर से, ये सुनाते हैं आपको। और आपको मालूम है जो आबादी देखिएगा तो पूरे देश में तीसरा राज्य आबादी के दृष्टिकोण से, जो संपूर्ण दुनिया को इस्लामिक स्टेट बनाना चाह रहे हैं वो जनसंख्या बढ़ा करके भारत को भी दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं। देखिए ये बहुत सारे जो अर्थशास्त्री हैं उनको लेकर बैठकर निर्णय लेने की ज़रूरत है कि आया हमारी जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो अभिशाप है या वरदान है ये तय करना।